मंच को प्रणाम करता हूं और उपस्थित सभी साथियों को सलाम कहता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो अपना बचपन याद आ रहा है। अब तो खैर मॉल्स हैं और बाजारों में हमेशा भीड़ रहती है, तब एक मेला लगा रहता था, तो ये पिछले 2-3 दिनों से हमको उसी मेले की याद दिला रहा है और उसी पे मैं अपनी रचना शुरुआत करता हूँ कि क्या फील कर रहा हूँ और एक आम नागरिक से जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि जर्रा जर्रा गा रहा है, जर्रा जर्रा गा रहा है तराना हिंद का। क्या बात है, जर्रा जर्रा गा रहा है तराना हिंद का, जश्न आजादी मनाओ दिल दीवाना। अरे क्या बात है बाबा, बाबा 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 धन्यवाद, बहुत अच्छे बाबा 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 बाबा। जश्न आजादी मनाओ दिल दीवाना हिंद का, हम रेडी है आपके हे अमर बलिदानियों। वाह, गौर फरमाइएगा शब्दों पे, हम रेडी हैं आपके हे अमर बलिदानियों, आपकी आहुतियों से हमको हासिल ये सुबह। वाह, आपकी आहुतियों से हमको हासिल ये सुबह, और झूमते हैं सब यहाँ ले तिरंगा हाथ में। झूमते हैं सब यहाँ ले तिरंगा हाथ में। अब अगली लाइन पे ताली आनी चाहिए। झूमते हैं सब यहाँ ले तिरंगा हाथ में, सबकी किस्मत में कहाँ ध्वज चढ़े सम्मान। अरे क्या बात, सबकी किस्मत में कहा ध्वज चढ़े सम्मान में, अपना अपना है मुकद्दर मौत किसको क्या मिले। वाह, अपना अपना है मुकद्दर मौत किसको क्या मिले, कतरा कतरा जिस्म का हमने है जाना हिंद का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, और फरमाइएगा। कतरा कतरा जिस्म का हमने है जाना हिंद का, ईद होली और बैसाखी सब हैं शामिल जश्न में। बात समझ में आए तो ताली दीजिएगा। ईद होली और बैसाखी सब है शामिल जश्न में, जश्न आजादी बड़ा सारे सारे पर्व से। वाह बहुत, जश्न आजादी बड़ा सारे सारे पर्व से, और याचना से ना मिली, ना मिली है भीख में। याचना से ना मिली, ना मिली है भीख में, लाखों कुर्बानी दफन है देश की तारीख में। बहुत बढ़िया, लाखों कुर्बानी दफन है देश की तारीख में। और आखिरी दो लाइन है, इस पे पूरे सदन से आशीर्वाद चाहूंगा। बेशक, आश की ऐसी लगी है वतन तुझ संग मेरी। आश की ऐसी लगी है वतन तुझ संग मेरी, मौत को जब चूमू मैं ध्वज चढ़ाना हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत, मौत को जब चूमू मैं ध्वज चढ़ाना हिंद का, जश्न आजादी मनाओ दिल दीवाना हिंद। बहुत अच्छे, वाह। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ कि आजकल एक फैशन हो गया है कि हर बात पे हमको चाहिए आजादी, फलाने को चाहिए आजादी। हाँ। तो नारे बड़े चुभते हैं, तो उसी पे एक रचना है और दिल तक पहुंचे तो बीच बीच में आशीर्वाद देते रहिएगा कि कैसी है ये बौद्धिकता, कैसा है ये ज्ञान दोष। हम बनारसी लोग हैं, बड़े सीधे साधे हैं, ये उन तथाकथित बौद्धिकों द्वारा फैलाई गई जो भ्रांति है उस पे कहना चाहता हूं कि कैसी है ये बौद्धिकता, कैसा है ये ज्ञान दोष, किस मकसद से ऐसा करते हो। कैसी है यह बौद्धिकता, कैसा है यह ज्ञान दोष, किस मकसद से ऐसा करते हो, जिस माने पहचान दिया उसका चीरहरण क्यों करते हो। क्या बात है, जिस माने पहचान दिया उसका चीरहरण क्यों करते हो। तुम्हारे अनर्गल विश्ववमन, गौर फरमाइएगा, तुम्हारे अनर्गल विश्ववमन भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे। तुम्हारे अनर्गल विश्वमन भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे। कैसे है अभिव्यक्ति की आजादी, कैसे है अभिव्यक्ति की आजादी और हमारा देश के प्रति सम्मान। आज इस तिरंगा यात्रा पर भी बड़ा विरोध हो रहा है कुछ अलग ही किस्म का, तो उस पे है कि हमारा देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों पे अभिमान, हमारा देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों पे अभिमान कैसे है राजनीति से प्रेरित, कैसे किसी पंथ से पोषित, कैसे है राजनीति से प्रेरित, कैसे किसी पंथ से पोषित। गाली दो जी भर भर के दो सड़ी व्यवस्था और सरकारों को, गाली दो जी भर भर के दो, लोकतंत्र है, सारा अधिकार है, सड़ी व्यवस्था और सरकारों को, पर देश की बर्बादी की बातें कैसे निकली नारों से। बहुत, पर देश की बर्बादी की बातें कैसे निकली नारों से, दम घुटता है ऐसे तर्कहीन संवादों से। और तुम तो भटके युवा नहीं, तुम दिल्ली में शिक्षा पाते हो। वाह, तुम तो भटके युवा नहीं, तुम दिल्ली में शिक्षा पाते हो, और जिसने संसद पे जख्म उकेरे उस आतंकी की खातिर शोक सभाएं क्यों करते हो।
जिसने संसद पे जख्म उखेरे, उस आतंकी की खातिर शोक सभाएं क्यों करते हो? कैसी आजादी और किससे आजादी? और आखिरी दो लाइन है कि तुमसे भले तो हम नादान, तुमसे भले तो हम नादान जो शान से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान भी गाते हैं और देख के झांकी सेना की जय भारत चिल्लाते हैं और देख के झांकी सेना की जय भारत चिल्लाते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो जश्न आजादी का माहौल है और आप ये कहेंगे कि सब गंभीर गंभीर रचनाएं सुना के चला गया, कैसा शायर है। और मित्र एके राम यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ देशभक्ति की रचनाएं होनी चाहिए क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत बहुत लिखते हो। तो अब वो हो गया, अब एक और सुनाता हूँ और इसके बाद बैठूंगा। स्वागत। ये मैं आगरा में ताज महोत्सव में वसील बरेलवी साहब के सानिध्य में इसको पढ़ा हूँ, तो सुनिएगा। कि हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है। वाह। हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है, और खिताब सारे निसार तुम पर, खिताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है। क्या बात है। किताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है। अब अगले शेर में देखिए, बनारसी अक्षर बनाया है, इसमें ताली चाहिए कि होता ना गुरु हमके मत सिखावा, तो वही है कि रिवाज सारे रटे हुए हैं, रिवाज सारे रटे हुए हैं और पता मुझे है हवन के माने, रिवाज सारे रटे हुए हैं पता मुझे है हवन के माने, और इबादतों में कमी न रखते उसी से पूछो जो पूछना। वाह 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 वाह। बहुत। इबादतों में कमी न रखते उसी से पूछो जो पूछना है, और तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना। क्या बात। अपना कॉलेज लाइफ याद आना चाहिए, अगली लाइन पे सबकी ताली मिलेगी। ऐलान तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना, उचक उचक के तुम ही को देखा सखी से पूछो जो पूछना। वाह 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 वाह। उचक उचक के तुम ही को देखा सखी से पूछो जो पूछना है, और महक उठे हैं कमल जो नीले। क्या बात है ना, कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो वही है कि महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा ना पाए किसी से हम तो। वाह। महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा ना पाए किसी से हम तो, और झुकी हैं पलकें शर्म से उनकी, अरे मुझे से पूछो जो पूछना। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। झुकी है पलकें शर्म से उनकी, वाह वाह वाह, मुझे से पूछो जो पूछना है, और तमाम बातें अधूरी रखकर, तमाम बातें अधूरी रखकर मुकर गया वो दिखा के सपने। वाह। थोड़ा सा हो जाता है बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही है, तमाम बातें अधूरी रखकर मुकर गया वो दिखा के सपने, उदास कितनी हुई है आंखें नमी से पूछो जो पूछना। भाई वाह। उदास कितनी हुई है आंखें नमी से पूछो जो पूछना है। और अगला शेर बहुत ही बेहतरीन है, समुंदर की ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की होगी, इस पे आपकी दाद चाहूंगा। स्वागत। वफा दिखाता अगर समंदर, वफा दिखाता अगर समंदर, न होता नमकीन मीठा पानी। वफा दिखाता किसे एक कहो के रहता तो खारा नहीं होता। वफा दिखाता अगर समंदर, न होता नमकीन मीठा पानी, अरे कहां पे ठहरा उदास पानी, नदी से पूछो जो पूछना है। अरे वाह वाह वाह। कहां पे ठहरा उदास पानी। बहुत उम्दा शेर है भाई, उम्दा शेर है, उम्दा शेर, उम्दा शेर। शुक्रिया शुक्रिया। कहां पे ठहरा उदास पानी, नदी से पूछो जो पूछना है। और आखिरी शेर है, किताब में तो नहीं मिलेगा, किताब में तो नहीं मिलेगा, अरे जिया है जैसा ये इश्क हमने। क्या बात। किताब में तो नहीं मिलेगा, जिया है जैसा ये इश्क हमने, और गुरूर नादान का तुम ही हो किसी से पूछो जो पूछना। वाह वाह। धन्यवाद धन्यवाद।